हे फ्रेंड्स, वेलकम टू पावलन वीडियोज। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नया वीडियो पहले आप देख सकें। हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है एक नया वीडियो में। इस वीडियो में मैं एक चीज़ का अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। ये मैंने अमेजन से ख़रीदा था, जैसे कि आप देख सकते हो ये कार्टन जो कि है अमेजन का। सील मैंने जस्ट ओपन किया था, सोचा कि एक वीडियो बना दूँ सो दैट आपको हेल्पफुल हो जाए। तो इसके अंदर एक्चुअली एक लैपटॉप है जो मैंने ऑर्डर किया है अमेजॉन से ऑन दिस फेस्टिवल सेल। तो ये जो प्राइस जो इसका पड़ा मुझे, ये मुझे पड़ा 39,990 का, ऊपर से कुछ कैशबैक भी था। और इसका जो स्पेसिफिकेशन वगैरह है, वो कोर i5 है, 4GB रैम है, 1TB हार्ड डिस्क है और 16GB ऑप्टेन मेमोरी है। ठीक है, तो इसको ओपन करते हैं। ये मैंने ओपन कर लिया बॉक्स। ये आप देख सकते हो इंटेल इनसाइट लिखा हुआ है और ये जैसे देखो एयर बबल के साथ ही आया है, तो बहुत ही सिक्योर पैकेजिंग हुआ है। इसमें 39,990 का बिल है अमेजन का, और ये जो है मैंने फेस्टिव ऑफर में लिया है इसलिए थोड़ा कम है। ठीक है, ये जो है लैपटॉप है, हल्का है, बॉक्स इतना ज़्यादा भारी नहीं है और ये सब एयर बबल्स दिया हुआ है सेफ्टी के लिए। ठीक है, इसको साइड करते हैं फिर लैपटॉप को ओपन करते हैं। ठीक है, तो ये मेरे हाथ में है, ये जो चाकू इसमें से मैं ओपन करूँगा लैपटॉप। फिर उसके बाद उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि ये जो क्या लिखा है वगैरह। ये मॉडल है 1407U जो मॉडल है लैपटॉप का, और ये थोड़ा पुराना मॉडल है एक्चुअली ये। तो मैंने थोड़ा सस्ता पड़ा इसलिए लिया था। स्पेसिफिकेशन वगैरह भी अच्छा था कि इसमें 1080p का फुल HD डिस्प्ले है 14 इंच का, और 4GB रैम और 16GB ऑप्टेन मेमोरी के साथ। आप सोच रहे होंगे कि अब के ज़माने में मैं क्यों ऐसा 8th जनरेशन i5 का लैपटॉप ले रहा हूँ। देखिए, मेरा इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है लैपटॉप, बस कुछ नॉर्मल एक्टिविटीज़ जैसे कि ब्राउजिंग वगैरह के लिए यूज होता है, इसलिए मैं थोड़ा सस्ता पड़ा तो मैंने इसको ख़रीदा। ठीक है, और ये सब देख सकते हो आपका मैक एड्रेस सीरियल नंबर वगैरह इसमें दिया हुआ है फॉर दी रिकॉर्ड पर्पज, तो इसका कोई ज़रूरत नहीं। मैं इसको ओपन करता हूँ पहले। ठीक है, ओपन करने के बाद देखते हैं, इसको कट कर लेते हैं। अभी कट कर ओपन कर लेते हैं। लैपटॉप है, इसमें कवर कुछ आए, कर्टन कवर आया, इस साइड में ये चार्जर जो है, देखिए मोबाइल चार्जर का है, बहुत ही ट्रैवल अडेप्टर है, बहुत ही छोटा है, और ये 20W चार्जर है तो क्विक चार्ज करते हैं लैपटॉप को। इसका जो इसके साथ एक पावर केबल भी दिया हुआ है, वो साइड में रखता हूँ इसको। ठीक है, उसके बाद ये तो हमने हो गया, ये हमारा लैपटॉप। ठीक है, ये इसमें देखिए लैपटॉप थोड़ा पतला है और क्यूट दिखता है, छोटा सा है, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, 13.7 इंच कुछ है। ये USB 3.0 है, ये HDMI, ये कार्ड रीडर, ये 3.5mm जैक नॉर्मल सबके लिए है, और ये हीट सिंक है, और ये चार्जर है, यहाँ पर चार्जर लगा जाएगा। इस साइड में देखिए यहाँ पे एक लॉक के लिए है, और ये वाला है USB 2.0, और ये वाले दो जो लाइट सेंसर है जो लाइट दिखाएगा कि उसके स्टेटस है। ठीक है, साइड में करते हैं कार्टन, इसको ओपन करते हैं। ठीक है, उससे पहले ये बुक लेक्ट देखते हैं, इसमें ऑपरेटिंग प्रोसीडियर वगैरह है, कैसे ऑपरेटिंग करेंगे वगैरह वगैरह, इसका पढ़ना थोड़ा टाइम मिलेगा तो पढ़ेंगे। इसको ओपन करते हैं, इसको ओपन करने से देखिए एक स्क्रीन प्रोटेक्टर कुछ है ऐसा दिया है, और यह लैपटॉप इसमें लिखा है 4GB प्लस 16GB, ये इंटेल का लोगो, और 16GB जो है ये ऑप्टेन मेमोरी है, 4GB इसका रैम है। ठीक है, ये टच पैड है, इस साइड में कुछ लोगो लिखा हुआ है, ये कुछ इन्फो लिखा हुआ है, एज टेक्नोलॉजी है, लाइट वेट है और बैटरी बैकअप बारे में लिखा हुआ है। स्क्रीन जो है थोड़ा छोटा है, आई अंडरस्टैंड, बट इतना मेरे लिए तो काफ़ी है। अगर आपको बड़ा चाहिए तो आप बड़ा ऑर्डर कर सकते हैं, 15.4 इंच का ऑर्डर कर सकते हो। ये पीछे कुछ स्क्रू कर लिया है, और इसका जो बैक साइड में यहाँ पे है विंडोज़ का लोगो, विंडोज़ 10 का लोगो है, अभी विंडोज़ 11 अपडेट हो जाएगा इसका, और यहाँ पे डिटेल्स वगैरह दिया है कि मॉडल नंबर वगैरह वगैरह इसमें है, और ये है आपका रैम पोर्ट, यहाँ पे आपको इसको ओपन करके रैम आप एक्सपेंड कर सकते हो या चेंज कर सकते हो। और ये कुल मिला के इसका जो फिजिकल अपीयरेंस है, उसको ऑन करते हैं। इसको ऑन किया मैंने, बूट हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा, बूट हो गया। फोटो होने के बाद ही देखिए चारों तरफ है, इसका जो स्क्रीन है थोड़ा विविड दिख रहा है, अच्छा भी दिख रहा है, और इसको मैं सेट कर लेता हूँ कोई की,
ये 5-7 मिनट लगेगा सेटअप होने में, तो लिए थोड़ा वेट कर लेते हैं। अभी हो गया सेट, हो गया ये सेट। देखिए स्क्रीन कितना हाई रेजोल्यूशन है, कितना अच्छा दिख रहा है। इसमें कलर सैचुरेशन बहुत ही अच्छा है, मूवी देखने तो बहुत मज़ा आएगा। तो ये था कुल मिला के मेरा लैपटॉप अनबॉक्सिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए।